हे गाइस, माय नेम इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोमन रेंस को क्यों बिग डॉग कहा जाता है और उनके अंदर कौन सी वो टैलेंट है जिसके कारण उन्हें बिग डॉग का नाम मिला है। तो अगर आपको इस बारे में जानने में इंटरेस्ट है या आप रोमन रेंस के फैंस है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रोमन रेंस WWE के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। WWE के मेन सुपरस्टार रह चुके हैं रोमन रेंस। वैसे में आप बिग डॉग का अगर हिंदी करने जाओ तो बिग डॉग का सीधा मतलब होता है कि बड़ा कुत्ता, लेकिन WWE में बिग डॉग का मतलब ये नहीं होता। वो बिग डॉग किसी ऐसे सुपरस्टार्स को कहते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, वो अपने अंदर कुछ खास टैलेंट रखते हैं, कुछ अलग ही टैलेंट रखते हैं जिसके कारण WWE को बहुत ही बड़ा फायदा होता है। इस वजह से उन सुपरस्टार को WWE बिग डॉग जैसे नाम भी देती है। WWE कंपनी के लिए रोमन रेंस अब तक फेस बने हुए थे। जब भी उनका नाम अनाउंस होता था किसी भी PPV या इवेंट के लिए, वैसे एक WWE की सारी टिकटें बिकने में कोई मुश्किल नहीं होती थी, सारी टिकटें बिक जाती थी। लेकिन हालांकि WWE से अब रोमन रेंस बाहर है ल्यूकेमिया की बीमारी के चलते। रोमन रेंस को बिग डॉग कहने के पीछे एक और वजह है, जो कि वो है एक हैवीवेट सुपरस्टार। हैवीवेट सुपरस्टार यानी कुछ ऐसी सुपरस्टार जिनकी लड़ने की स्टाइल बहुत ही पावरफुल होती है, जिनके मूव्स बहुत ही कमाल के होते हैं, जिनको देखना फैंस बहुत ही कमाल का पसंद करते हैं। वैसे में रोमन रेंस ने अपने मूव्स को बिग शो जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ आजमाया हुआ है। उन्होंने बिग शो जैसे बड़े सुपरस्टार्स को भी उठाया हुआ है। इस तरह से वो हैवीवेट सुपरस्टार। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड रोमन रेंस की फैन फॉलोइंग की, तो एशिया के देशों में सबसे ज्यादा रोमन रेंस को फॉलो किया जाता है। जॉन सीना के बाद दूसरे नंबर पर रोमन रेंस आते हैं, जिनको एशिया के देश में सबसे ज्यादा सुपरस्टार पसंद किए जाते हैं। रोमन रेंस को बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, कुछ हेटर्स वहाँ पे रोमन रेंस के मौजूद है, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि कोई लवर नहीं है, वहाँ भी रोमन रेंस के लवर है। इस तरह से WWE का रोमन रेंस को फेस भी मानती रही थी, क्योंकि इस तरह की फैन फॉलोइंग किसी और सुपरस्टार की नहीं थी आज के जमाने में, क्योंकि जॉन सीना जा चुके थे हॉलीवुड की मूवीज में, वो बिजी हो चुके थे अपने बिजनेस में। वैसे में रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ और WWE कंपनी को चला रहे थे काफी अच्छी तरीके से अपने दम। रोमन रेंस के सारे फैन रोमन रेंस की वापसी को लेकर बहुत ही उत्सुक है। वो रोमन रेंस की वापसी बहुत ही जल्द देखना चाहते हैं। वैसे हम यही आशा करते हैं कि रोमन रेंस जल्दी से अपना इलाज करवाए और वो WWE में एक और रिटर्न करे और बहुत ही ढांसू तरीके से WWE कंपनी में काम करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।